आपका अपने चैनल हेलो विजा जमा यहाँ यहाँ कहाँ ये जगह, ये जगह कराची जुड़ी बाज़ार है। और आइए हम आपको यहाँ के दाल चावल के रेट बताते हैं। वैसे तो उमन हमने सब्ज़ी फिशी सब पे काम करा है, मगर अभी रमज़ान के हिसाब से हमने सोचा एक दालों का चावलों का दिखाएं आपको, ताकि पता चले कि आपके घर के पास रेट क्या है और मार्केट की रेट क्या है। क्योंकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लिंक करें। अस्सलाम वालेकुम अंकल, खैरियत से? ये आप क्या ले रहे हैं यहाँ पे, क्या क्या ज़्यादातर क्या लेने आए? दाल और चावल। ये जोड़ी बाज़ार है और ये जोड़ी बाज़ार की दुकान है, चौधरी साहब की दुकान। और यहाँ पे देखें दालें वालों के रेट सब के लिखे हुए, और ये लोगों को अच्छी मियारी ख़ास चीज़ें देते हैं। आप क्वालिटी देखें हर चीज़ की, हर चीज़ की क्वालिटी अलग अलग है बिल्कुल से। अच्छा, अगर किसी चीज़ में शिकायत विकायत हो तो उसका क्या सिलसिला रखते हैं ये? ऐसे कभी ऐसा हुआ है? कभी ऐसा हुआ तो नहीं है, ऐसे में साल हो गए लेते हुए, आज तक ऐसा हुआ नहीं। अगर कुछ शिकायत है तो चेंज कर देते हैं। अच्छा, चेंज कर देते हैं। ठीक है जी, सही है। अभी आज आपने क्या क्या परचेज़ करा है? मैंने 5 किलो दालें ली है, दाल भात, दाल चना, दाल मूंग। अच्छा, दाल चने में कितना फ़र्क आया है आपके पास? आपके दाल दाल चने के क्या रेट है? हमारे साहब दाल चना के रेट हैं 140 रुपये। 140 रुपये जी, और 130 रुपये। और 130 रुपये। 140 वाली क्वालिटी अच्छी है। अच्छा, मतलब ए क्वालिटी और ए और बी कैटेगरी, दो दो क्वालिटी रखी है आपने, ताकि सही। तो वैसे 140 वाली क्वालिटी कितने में मिलेगी आपके घर के पास? आपको हमारे घर को मिलेगी आपको 50 रुपये की पाव मिलेगी, 50 रुपये पाव, 200 रुपये किलो मिलेगी, 200 रुपये किलो मिलेगी। ठीक है, तो बहुत फर्क है, तकरीबन 60 रुपये का फर्क आ गया। 60 रुपये का फर्क आ गया, मगर ये ऊँची है, अच्छी दाल है ये। अब ब्रीड दाल लोगे तो वो तो और सस्ती, 120-130। हाँ, वो तो बी कैटेगरी होगी, इसकी तो रेट कम होंगे ना, क्योंकि ये तो असल में जब माल आता है तो उसमें से अलग अलग कर लेते हैं, या इसको सिस्टम बना हुआ है एक तरीके से। ए बी तीन कैटेगरी निकालते हैं, तीन कैटेगरी में से जो ए कैटेगरी हाई होती है, बी कैटेगरी लो होती है, और थर्ड कैटेगरी उससे डाउन होती है। तो सिलसिला होता है इनका। दाल चने क्या रेट है? चना दाल सर 140 रुपये। 140 रुपये। और ये नॉर्मल जो से हल्की क्वालिटी की? 130 रुपये। 130 रुपये। और सफ़ेद चना? सफ़ेद चना जो नायना में वो 130 है। ठीक है, 130 रुपये। और जो 12 है? 12 65 रुपये। अच्छा, ये 12 mm लिखा हुआ और ये 9 mm लिखा हुआ है, इसमें क्या क्वालिटी होती है ये? नहीं नहीं, फिर ये खाली साइज का फर्क है। साइज़ का फर्क है, बाकी जायका एक ही है। ये सही, ये चना, ये वाला चना जो है साइज में थोड़ा हल्का है और दरमियान है, और ये थोड़ा भारी है ये वाला। ये होटल वाले यूज़ करते हैं। अच्छा, ये होटल वाले यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये वाली मसूर की दाल, लाल वाली मसूर की दाल? लाल वाली मसूर दाल ये 135 रुपये है। 135 रुपये। इसमें उसमें बी कैटेगरी कैटेगरी है या नहीं है? एक ही क्वालिटी, एक ही क्वालिटी रखी है आपने। और दाल मूँग? दाल मूँग बी क्वालिटी है, जो ये 200 रुपये है। ये 200 रुपये। ये वाली 240 है। ये 240 रुपये। और जो सबसे छोटी है? ठीक है, 220 रुपये है वो सबसे छोटी, 220 रुपये। उसका नाम है कलंदरी। कलंदरी, अच्छा ठीक है। तो ये कितना फ़र्क आता है जो दुकानदार ले जाते हैं और यहाँ पे जो आप बेच रहे हैं, इसमें कितना फ़र्क आता है? सर वैसे तो जो दुकानदार आते हैं इधर माल लेने, उनको हम पूछते भी हैं कि कितना डिस्काउंट रखा हुआ आपने। अच्छा, लेकिन अगर वो यहाँ से आए तो हम उनको 190 रुपये लगाते हैं। ठीक है, 10 रुपये कम कर देते हैं। वैसे फिर उधर जाके वो 240-250 रुपये किलो बेचते हैं। ठीक है, 40-50 रुपये पर केजी में उनको मिलता जी, है जी, पर केजी में वो कमा रहे हैं। ये 386 चावल है, ये 90 रुपये किलो जी जी। ठीक, और ये सुपर खुशबू, ये 140 रुपये किलो। सुपर 140 है। और ये दागी है? ये दागी है 140 रुपये। 140 रुपये। 1121 क्या इसका नंबर है? 1121 इसका नंबर है। 1121 इसका नंबर है। ठीक है, जैसे ये सेला में जो है 1121, ये भी पौने सेला का पोनी है ये? जी, ये सेले का पोनी है। अच्छा, और ये फाइन सेला ये 115 रुपये। आपको सरदार गोल्ड में तो बहुत चलता है, यहाँ का मशहूर भी सरदार गोल्ड। हाँ, सरदार गोल्ड हमारा लिए लाइन में लग के दिखता है। अच्छा, लाइन में लग के। 5 किलो की पैकिंग, 10 किलो की पैकिंग है इसकी। अच्छा, ये 5 किलो 10 किलो की पैकिंग है सारी आपकी जी। तो ये 5 किलो कितने का पड़ा है? 5 किलो ये पड़ता है ये 850। 850 का? 850 रुपये का। अच्छा, और 10 किलो का? 10 किलो 1700 का। 10 किलो 1700 रुपये का। ये बेसन के क्या रेट है अभी? 150 रुपये।
150 रुपये, 150 रुपये। ठीक है, मैदे की रेट क्या है? ये 75 है। 75 रुपये की मैदा, 75 रुपये किलो जी। सूजी भी, और सूजी, सूजी भी 75 रुपये किलो जी। अच्छा, जैसे चीनी के क्या रेट है अभी? चीनी सर 95 है। 95 है जी। अच्छा, तो ये मार्केट में रेट अलग अलग है, किसी के पास 90 रुपये, किसी 93 है, किसी 95 है, इसमें क्या मसला है? जी ये हाँ। दाने का मसला है या क्वालिटी का मसला नहीं, है? नहीं, क्वालिटी एक ही है, एक ही जगह से माल आता है। अच्छा, फिर और एक ही गाड़ी के ऊपर 3-4 दुकानों का माल आएगा। सही है, सही है। तो फिर रेट में इतना फर्क क्यों होता है? ये हमने सिर्फ 1-2 रुपया रखा हुआ है। अच्छा, सही है, सही। मतलब जैसा जिसका दिल चाहता है, किसी का नहीं है। वो ग्राहक पे डिपेंड करता है कि आया वो मार्केट परचेज, मार्केट मॉनिटरिंग करके परचेसिंग करेगा या वैसे ही डायरेक्ट कर लेता है। जी जी। हसन भाई, क्या हाल चाल है खरीद से? ये चौधरी अरशद ट्रेडर की दुकान है अरशद हसन भाई की, और आज हम इनके पास आए ताकि आपको दाल चावल बेसन की रेट बता सकें, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के हिसाब से हम इधर यहाँ पे आए ताकि लोगों को पता चले कि रेट किस तरह आई होते हैं, किस तरह बढ़ते हैं, क्या इनका, क्या इनकी कैटेगरी चलती है आइटम में। तो अभी काम की पोजीशन क्या है हसन भाई? अच्छा, तो अभी दालों वालों में किस चीज़ में रेट बढ़े हैं या क्या कम हुए? क्योंकि अक्सर लोग जिस दुकान पे जाओ, छोटी दुकान पे या बड़ी दुकान पे, वो ज़्यादातर ये कहते हैं कि हमारे रेट बढ़ गए हैं। पर मुझे मार्केट आके पता चला कि अंदाज़ा हुआ कि इतना रेट बढ़े भी नहीं, जितने लोग बढ़ा रहे हैं। नहीं यार, अभी तक तो रेट नहीं बढ़े, रेट कम हुए हैं। रेट कम हुए हैं, ठीक है। तो किस चीज़ पर रेट कम हुआ है आजकल? दाल चने का रेट कम हुआ है, दाल रेट कम हुआ है। अच्छा, दाल मूंग अच्छा। वैसे तो मार्केट में भी बहुत शोर हुआ है, तकरीबन ऑयल घी पे तो रेट बहुत बढ़ गए हैं, तकरीबन 100-180 रुपये बढ़ गए। तो इस तरह ही नहीं हुआ है दालों पे कि रेट बढ़ गए। नॉर्मल आप ये कह रहे हैं कि 20% जो है रेट कम हुआ है। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत आपका।